इब्राहिम फैमिली एक बार फिर हो रही है ट्रोल। शोएब और सबा की पोस्ट पर ट्रोलर्स कर रहे हैं गंदे कमेंट्स। रक्षाबंधन मनाने की मिली बड़ी सजा। वेल, क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। शोएब इब्राहिम टीवी के जाने माने एक्टर हैं। हाल ही में शोएब इब्राहिम एक बच्चे के पिता बने हैं। शोएब दीपिका इन दिनों अपने पेरेंटहुड जर्नी को खूब एंजॉय भी कर रहे हैं। जहां फैंस शोएब को इतना प्यार करते हैं, वहीं कभी कभी उन्हें खूब ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ता है। अब हाल ही में शोएब इब्राहिम को एक बार फिर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। जी हां, और वजह बनी उनका फेस्टिवल सेलिब्रेट करना। दरअसल हाल ही में शोएब इब्राहिम ने अपना व्लॉग शेयर किया, जिसमें वो अपनी बहनों के साथ रक्षाबंधन मनाते नजर आए। इस दौरान शोएब और उनके भाई रेहान ने रिजा और सबा के साथ मिलकर रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया। सबा ने दोनों भाइयों के हाथ पर राखी बांधी और मिठाई भी खिलाया। इस दौरान शोएब दोनों बहनों को गिफ्ट देते भी दिखे। वहीं शोएब ने इसी की पोस्ट अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर की, जिसमें उन्होंने दोनों बहनों के साथ फोटो शेयर किया, जिस पर उन्हें काफी नफरत भरे कमेंट मिल रहे हैं। कुछ लोग उन्हें कह रहे हैं कि इस्लाम में इस तरीके से रक्षाबंधन सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, तो वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि बिना टीका और बिना आरती उतारे रक्षाबंधन कैसे हो गया। आइए उन कमेंट्स पर एक नजर डालते हैं। आपको बता दें कि शोएब ने जिस तरीके से रक्षाबंधन का त्यौहार सेलिब्रेट किया है, उससे कुछ लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। पर आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि शोएब ने पहली बार रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया है। उन्होंने पिछले साल भी ब्लॉग डाला था, जिसमें वो सबा के साथ रक्षाबंधन मनाते नजर आए थे। रक्षाबंधन एक प्यारा सा त्यौहार है जो एक भाई बहन के लिए होता है, और जिसमें बहन अपने भाई कलाई पर राखी बांधती है कि वो जिंदगी भर उसकी रक्षा करे, और इसीलिए ये त्यौहार मनाया जाता है। शोएब को ना सिर्फ रक्षाबंधन बल्कि दिवाली पर भी पटाखे फोड़ते देखा जाता है, और यहाँ तक कि वो अपने सोसाइटीज में भी मिठाई डिस्ट्रीब्यूट करते दिखते हैं। तो इस तरीके से शोएब दोनों फेस्टिवल्स को मनाते नजर आते हैं। वहीं कुछ लोगों को शोएब का इस तरीके से दोनों त्योहारों को सेलिब्रेट करना पसंद नहीं आता है, और वो इस तरीके से उन्हें ट्रोल करने लगते हैं। फिलहाल तो उन्हें पसंद करने वालों की कमी नहीं है, और उन्होंने कई बार अपने हेटर्स को जवाब भी दिया है कि जो उन्हें पसंद करते हैं वो करें, जो उन्हें पसंद नहीं करते हैं वो प्लीज उनके ब्लॉग को देखना बंद कर दें। वेल, क्या कहना है आपका शोएब के इस पोस्ट पर, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं।